नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन राज टेलीकॉम पर। गाइस आज हम बात करेंगे 1000 वाट और 1500 वाट आहूजा एम्पलीफायर की, उसके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। क्योंकि गाइस एम्पलीफायर तो मैंने बहुत सारे सेल कर दिया आप लोगों को, 1000 वाट भी सेल कर दिया, 1500 वाट भी सेल कर दिया है और कुछ एम्पलीफायर अभी और सेल पर है, उसकी डिटेल भी आगे देने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइस उससे पहले कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाह रहा था, बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर 1000 वाट का आहूजा का एम्पलीफायर अगर आप लेते हैं या 1500 वाट का आहूजा का एम्पलीफायर आप अगर आप सेकेंड हैंड भी अगर लेते हैं, तो गाइस उसकी जानकारी होना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ जानकारी को लेकर 1000 वाट और 1500 वाट। गाइस एम्पलीफायर की बात है तो एम्पलीफायर की बात ही करेंगे पूरी वीडियो में। गाइस मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस बिना किसी देरी के कर लेते हैं वीडियो को शुरू। चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये जो एम्पलीफायर नज़र आ रहा है, यह है गाइस 1000 वाट का आहूजा का एम्पलीफायर। अच्छा गाइस आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि बेसिक आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाइस फ्रंट पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बेस का आपको बटन मिल जाता है, एक ट्रबल का बटन मिल जाता है, मास्टर वॉल्यूम मिल जाता है और कुछ अदर्स बटन आपको मिल जाते हैं। गाइस इन्हीं सब चीज़ों की आज जानकारी देने वाला हूँ कि सिंगल चैनल क्या होता है, डबल चैनल क्या होने वाला है। गाइस एम्पलीफायर 1000 वाट का एम्पलीफायर होता है तो गाइस एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर 1000 वाट, यहाँ गाइस मैं सिर्फ आहूजा की बात कर रहा हूँ, मैं अदरवाइज़ किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। आहूजा में गाइस ऐसा होता है कि अगर 1000 वाट का एम्पलीफायर है तो आप उस पर लोड कितना डालें, तो 1000 वाट के एम्पलीफायर में गाइस आप मैक्सिमम, मिनिमम की बात नहीं चल रही है गाइस, मैक्सिमम लोड। गाइस इसी तरह से आहूजा का जो 1000 वाट का एम्पलीफायर है उसमें आप 2000 तक का वाट डाल सकते हैं, यानी कि 2 टॉप 15 इंची के आप आराम से चला सकते हैं 1000 वाट के। ठीक है गाइस कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाइस इसके अब बैक पैनल की बात कर लेते हैं कि बैक पैनल में आपको जो वायर है वो कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो गाइस देख सकते हैं बैक साइड में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 1 COM, 4 ओम और 16 ओम। गाइस अलग अलग एम्पलीफायर में अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी में गाइस कॉम लिखने के बाद 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम भी हो सकता है, यानी कि 8 4 16। ठीक है गाइस, और किसी किसी में 2 4 8 16। ठीक है गाइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन गाइस इन सारे एम्पलीफायर में एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है कॉम, COM, जो कॉम लिखा रहता है, यानी कि ग्राउंड, यानी कि ब्लैक। ब्लैक वायर हमेशा आपको कॉम में लगानी है। ठीक है गाइस फिर से बता रहा हूँ, ब्लैक तार। स्पीकर के 2 हिस्से होते हैं, प्लस और माइनस। तो गाइस प्लस जो है वो आप अपने लोड के हिसाब से लगाएं कि आपको 2 ओम में लगाना है, 4 ओम में लगाना है, 8 ओम में लगाना है या 16 ओम में लगाना है। ठीक है गाइस, लेकिन कॉम में सिर्फ माइनस की ही वायर लगानी है अगर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो। अब गाइस बात कर लेते हैं कि 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, क्यों ये नंबर दिए गए हैं। तो गाइस देख सकते हैं बैक पैनल में जहाँ पे कॉम लिखा है यहाँ पे तो सिंपली आपको ग्राउंड वाली तार लगानी है, यानी कि माइनस वाली तार लगानी है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास 15 इंची के 2 टॉप है, जैसा मैंने बताया 1000 वाट में 2000 वाट लोड डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओवरलोड की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो सिंपली इसको समझिए, अगर आपने ग्राउंड में एक वायर लगाई है ब्लैक तार की, यानी कि कॉम वाली वायर लगाई है, तो आप 2 ओम पर भी जा सकते हैं, या फिर अगर 2 ओम आपके आपके अगर उस पर नहीं है, एम्पलीफायर पर नहीं है, तो आप 4 ओम पर जाइए। गाइस एम्पलीफायर की भाषा में जितने नंबर छोटे होंगे उतना लोड ज़्यादा लेगा। जी हाँ गाइस, अगर 16 ओम है यानी कि वो उतना ही लोड कम लेगा। नंबर अगर छोटे होते जा रहे हैं यानी कि 8 4 2, तो इसका मतलब गाइस ये है कि उसका लोड बढ़ता जा रहा है। तो गाइस अगर आपके पास 15 इंच के डबल टॉप हैं तो आप उसे 2 ओम पे चला सकते हैं, 4 ओम पे भी चला सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका सेट भी गर्म नहीं होगा और अच्छे से वर्क करेगा। तो गाइस ये भाषा उल्टी होती है एम्पलीफायर की दुनिया में कि जितने अंक छोटे होंगे उतना पावर ज़्यादा होगा। अब गाइस बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो गाइस इसको ओम बोला जाता है, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम। ठीक है गाइस, तो ओम जितने छोटे होंगे उतना पावरफुल पंच होगा, उतना पावरफुल बेस देगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको 1000 वाट के बारे में पता चल गया होगा कि आप इसमें कितना लोड डाल सकते हैं, कौन से स्पीकर आप इसमें चला सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं 1500 वाट आहूजा की। अब गाइस कई लोगों का सवाल मन में ये आ रहा होगा कि 1500 वाट एम्पलीफायर में आप कितना मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं।
तो गाइज मैं रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप 2500 से 2800 तक लोड उस पर डाल सकते हैं, इजिली आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। 3000 तक भी आप उसमें लोड डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं रिक्वायरमेंट नहीं करता हूँ 3000 लोड डालने के लिए। आप उसमें 2500, अगर ज़्यादा हो रहा है तो 2700 2800 तक आप लोड आराम से डाल सकते हैं, यानी कि दो बेस 1400 वाट के दो बेस आप चला सकते हैं, 1200 वाट के दो बेस आप चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दो टॉप चला सकते हैं आप 15-15 इंची के डुअल, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइज, बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करेगा गाइज, क्योंकि आहूजा का एम्पलीफायर है। तो निश्चिंत हो कि आप एक चीज़ गाइज समझ लीजिए कि अगर जो भी उसका वाट है आप उससे दुगने पर चले जाइए, आपके सेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन गाइज मैं रिक्वायरमेंट नहीं करता, क्योंकि ये मैक्सिमम लोड है, आप मिनिमम लोड पे ही चलिए। अगर आपको 1500 वाट का है तो आप मैक्सिमम 2500 2700 2800 तक आराम से चला सकते हैं, अनलिमिटेड चलेगा गाइज, बिना रुके चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है गाइज। दोनों का जो सेम है, यानी कि जो पीछे जो वायर लगाने का जो तरीका है वो सेम है। कॉम में आप ग्राउंड लगाइए, यानी कि माइनस ब्लैक तार लगाइए। बाकी आप अगर आपके पास डबल पेयर है तो 2 ओम 4 ओम पे लगाइए, और अगर आपके पास सिंगल है, सिंगल स्पीकर चला रहे हैं, तो आप 16 ओम पे लगा दीजिए, 8 ओम पे लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस फिर से बता रहा हूँ, जितने ओम छोटे होंगे उतना ही पावरफुल होगा उसका पावर, ठीक है। अगर गाइस आप 1000 वाट का आहूजा का एम्पलीफायर लेना चाहते हैं सेकेंड हैंड, तो गाइस वो भी मेरे पास अवेलेबल है और आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। गाइस देख सकते हैं कि स्क्रीन पर पिक आ चुकी है, ये एम्पलीफायर अभी भी सेल पर है गाइस, और इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 14000 रुपये हमने इसका प्राइस रखा है गाइज। सिंगल चैनल होने वाला है ये, और गाइज ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये 1500 वाट का आहूजा का एम्पलीफायर है गाइज, ये भी सेकेंड हैंड है, और इसे भी मैं सेल कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 18000 रुपये में। तो आसानी से आप इसे भी परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है गाइज। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, अगर कॉल अगर और आपका रिसीव नहीं होता तो मैसेज कर दीजिए गाइज, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन मैं जवाब ज़रूर देता हूँ, क्योंकि गाइज मैं अकेला हूँ और सभी लोगों को जवाब देना, सभी कॉल को अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो गाइज थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा, मैं आपको बैक कॉल कर लूँगा या फिर आपको मैसेज में जवाब ज़रूर दूंगा। गाइज कैसे लगती है आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं गाइज फिर किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, गुड बाय। Thank you.